नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मध्य भारत समाचार के इस अंक में आपका पुनः स्वागत है। किसान भाइयों, पिछले अंक में हमने जाना कि हम कौन कौन से गलत तरीके अपनाते हैं जिसकी वजह से हमें फसल में नुकसान होता है। तो इस अंक में हम डॉक्टर बीयू दुपारे जी से जानेंगे कि कौन कौन सी विशेष पद्धतियाँ हैं या तरीके हैं जिनको अपनाने से हम अपनी पैदावार को और बढ़ा सकते हैं। किंतु उससे पहले हम जानेंगे इस सप्ताह के मुख्य समाचार। संस्थान के उच्च श्रेणी लिपिक श्री अनिल क्रॉस्को की सहायक पद पर पदोन्नति। इसी प्रकार सदस्य वैज्ञानिक डॉक्टर राकेश कुमार वर्मा का अगले ग्रेड पर प्रमोशन। दिनांक 17 एवं 18 मई 2022 को इंदौर के अखिल भारतीय समन्वित सोयाबीन अनुसंधान परियोजना का आयोजन हुआ। इस बैठक में AICRPS परियोजना के अंतर्गत देश भर में फैले विभिन्न सोयाबीन अनुसंधान केंद्रों से लगभग 150 वैज्ञानिक एवं अन्य अधिकारियों ने भी भाग लिया। देश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए उपयुक्त नवीनतम किस्मों की अनुशंसा करने वाली किस्म पहचान समिति का भी आयोजन किया गया। साथ ही संस्थान द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत संस्थान में काम करने वाले श्रमिक वर्ग ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। नमस्कार साथियों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि सोयाबीन की खेती करते हुए ऐसी कौन सी चीज है जिसको कि नहीं अपनाना चाहिए, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी कौन कौन सी पद्धतियां है या तकनीकी है जिसको अपनाने से हम अपनी सोयाबीन का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो ये देखें कि सबसे पहले हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी भूमि है जो सोयाबीन की खेती के लिए अच्छी है। तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि जिसमें बहुत ही अच्छी जल धारण क्षमता हो, उसके साथ साथ जल निकास की व्यवस्था हो, ऐसी रेतीली लोम से दोमट मिट्टी वाली ज़मीन और जैविक कार्बन उससे समृद्ध भूमि सोयाबीन की खेती के लिए अच्छी होती है। दूसरी बात, हमें यह देखना चाहिए कि प्रत्येक 30 से 4 साल में एक बार अपने खेत की गहरी जुताई करें, और वो गर्मी के सीज़न में ये बहुत ही अच्छा समय होता है, और गहरी जुताई करने के बाद में दो बार विपरीत दिशाओं में बखर चला के पाटा चला ले और खेत को तैयार कर ले। तीसरे नंबर पे बात जो है कि हमारी जो सोयाबीन के खेत की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए हमें जितने भी कार्बनिक खाद है उसका प्रयोग करना चाहिए, और उसके लिए जो अनुशंसा की गई कि 10 टन गोबर की खाद या 5 टन कंपोस्ट या 2.5 टन जो मुर्गी की खाद है पोल्ट्री मैनुअर या उसका प्रयोग कर सकते हैं, और अंतिम बखरने से पूर्व इसमें खेत में मिला दे और उसके बाद में बखरनी करने से ये अच्छी तरह से मिल जाएगा। चौथी बात, जब आपकी सोयाबीन की खेत जो है जहाँ पे करना चाहते हैं उसमें अगर आपका क्षारीय भूमि है, साल्ट्स है, तो ऐसी स्थिति में आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि सल्फर बेस्ड जो फर्टिलाइज़र है, सल्फर समावेशक उर्वरक है, उसका प्रयोग अवश्य करें, और उसके लिए जिप्सम आप मिला सकते हैं 200 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से। यदि अम्लीय भूमि है तो आपको चूना मिलाना पड़ेगा 600 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से। अगली बात, काली व भारी मृदा वाले खेतों में हमें यह देखना चाहिए कि जो पिछले कुछ सालों से सूखे की समस्या आ रही है, तो सबसाइलर नामक एक यंत्र होता है जो कि बहुत ही गहराई तक अंदर जाता है, तो 10 मीटर के अंतराल पे विपरीत दिशाओं में इसको चला ले तो बहुत गहराई तक इसके पहुंच जाती है और जल धारण क्षमता हमारी बढ़ जाती है। यदि सूखा भी आ जाए तो हमारी फसल को उतना कोई नुकसान नहीं होगा। अगली बात, सोयाबीन की जो बोनी होती है उससे पहले ही हमारे पास बीज जो है उपलब्ध कर लेनी चाहिए। जो भी आप लगाते हैं उसका बीज अपने पास ले ले और उसकी गुणवत्ता जांच ले यदि वो सही है कि नहीं। कैसे करेंगे आप? अंकुरण परीक्षण से। अगली बात, उसके बीज के साथ साथ जितने भी आवश्यक आदान है, चाहे वो उर्वरक है, खरपतवार नाशक है, कीटनाशक है, ये सब अपनी व्यवस्था पहले ही कर ले ताकि आखिरी समय पे आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़े, क्योंकि सोयाबीन की बोनी का सीज़न जो है जून महीने के दूसरे सप्ताह से जुलाई महीने तक, महीने के पहले सप्ताह तक होता है, और हम बोनी तभी करते हैं जब मानसून का आगमन होता है। तो इससे पहले हमारे पास सभी चीज़ें अपने पास उपलब्ध हो जानी चाहिए। जहाँ तक संभव हो
सोयाबीन की बोने के लिए BBF सीड ड्रिल या रिज फरो सीड ड्रिल का प्रयोग करें। और इससे क्या होता है कि विपरीत मौसम से होने वाला जो नुकसान होता है, चाहे वो अधिक वर्षा हो या सूखे की समस्या हो, उससे हम अपने फसल को बचा सकते हैं। दसवीं बात यह है कि एक ही वैरायटी के ऊपर हम निर्भर ना रहे, हमारे खेत में 2 से 3 वैरायटी लगाएं और उसका नियोजन इस प्रकार से करें कि कुछ खेत में जो शीघ्र पकने वाली वैरायटी लगाए, कुछ में मध्यम समय में पकने वाली लगाए और कुछ में अधिक समय में पकने वाली लगाए। तो इससे क्या है कि कीटों का भी प्रबंधन अच्छी तरह से कर सकता है, क्योंकि हर एक वैरायटी में प्रतिरोधक क्षमता होती है या उसकी उत्पादन क्षमता अधिक होती है, अलग होती है। अगली बात, हमारी जो बीज है उसकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए हम जो बीज क्रय कर ले ऑथेंटिक सोर्स से या अपने पास का है, तो 4 साल से ज़्यादा उसका उपयोग नहीं करें। 4 साल हो जाने के बाद में विश्वसनीय सोर्स से नया बीज खरीद ले और उसको हम अगले साल तक बढ़ा के बनाने के लिए रख सकते हैं। अगली बात, जैसे मैंने बताया कि 70% अंकुरण है या नहीं अपने बीज का वो जांच लेनी चाहिए और उसी के हिसाब से हमारी जो प्रति हेक्टर बीज की मात्रा है वो निर्धारण कर लेना चाहिए। अगली बात कि जितने भी जैविक कारक है, चाहे वो कीट बीमारी खरपतवार जो है, उनसे फसल की सुरक्षा के लिए सोयाबीन बीज को उपचारित करना बहुत ही जरूरी है। और उसके लिए जो हमने सीक्वेंस बनाया जिसको कि FIR कहते हैं, सबसे पहले फफूंदनाशक से, फिर इंसेक्टिसाइड से और उसके बाद में राइजोबियम और PSB कल्चर से बीज को उपचारित करें। 14वीं जो बात है उसका जो क्रम है जो मैंने बताया FIR का, वो अनुपालन करें, उसका उल्टा नहीं करें। उल्टा करने से क्या होता है कि जो जैविक खाद है या राइजोबियम कल्चर, उसमें जो जीवाणु रहते हैं वो उसको हानि पहुँचते हैं, मर सकते हैं। अगली बात, सोयाबीन की फसल में जितने भी उर्वरक है उसकी जो एप्लीकेशन की जो रिकमेंडेशन है केवल बोनी के समय पे है। एक बार आप सोयाबीन की बोनी कर ले उसके बाद में खड़ी फसल में किसी भी प्रकार के उर्वरकों का प्रयोग नहीं करें, और यदि करना भी हो तो केवल जो है सोयाबीन वैज्ञानिक और उनकी सलाह से ही करें। अगली बात, जो समुचित उत्पादन के लिए जो हमारे जो सोयाबीन की मध्य क्षेत्र के लिए बोने का समय है जून महीने के दूसरे सप्ताह से जुलाई महीने के पहले सप्ताह तक, तो ये इसका पर्याप्त समय है। और लेकिन ये जरूर ध्यान में रखें कि मानसून के आगमन हो जाए और उसके बाद में न्यूनतम 10 सेंटीमीटर वर्षा हो तभी करें। नहीं तो कई बार क्या हो जाता है कि हम हल्की सी वर्षा आ जाती है, बोनी कर देते हैं और उसके बाद में बारिश गायब हो जाती है, हमारा बीज जो बहुत ही अच्छा होता है, महंगा होता है, वो हमारे पास में खराब हो जाता है और हमारे पास और अन्य कोई विकल्प नहीं रहता। तो हमें ये देखें कि ज़मीन में पर्याप्त नमी हो तभी हम बोनी करें। सोयाबीन की बोनी के लिए जो कतारों की दूरी और बीज दर है, बीज पौधे से पौधे के जो दूरी है वो अनुशंसित है, 45 सेंटीमीटर कतारों की दूरी और पौधे से पौधे के बीच में की जो दूरी है वह 10 सेंटीमीटर, इसका अनुपालन करना चाहिए, जैसे कि हम उससे पौधे को फैलने के लिए जगह मिले और उसमें शाखाएं ज़्यादा बनेगी और उसको फलियां ज़्यादा लगेगी और उत्पादन ज़्यादा मिलेगा। अगली बात, जब हम बोनी करते हैं सोयाबीन की तो गहराई है, बीज की गहराई जब सीड ड्रिल हम सेट करते तो अधिक गहराई तक सोयाबीन को बोनी नहीं करें, केवल इतनी गहराई करें 3 सेंटीमीटर, ताकि बीज के ऊपर एक हल्की सी मिट्टी की परत चढ़ जाए। अगर अधिक गहराई पे बोते हैं तो बीज हमारे सड़ने का खतरा रहता है। अगली बात कि अगर हम किसी कारण से जुलाई महीने के पहले सप्ताह तक सोयाबीन की बोनी नहीं कर पाते हैं तो विलंब से बोनी करने की स्थिति में हमें बीज दर बढ़ाना चाहिए। 25% बीज दर बढ़ा के हम बोनी कर सकते हैं और ऐसी स्थिति में, विलंब से बोनी की स्थिति में, कतारों की जो दूरी है जो मैंने 45 सेंटीमीटर बताई उसको हम कम करें, 30 सेंटीमीटर तक हम कम कर सकते हैं। अगली बात, जब हम बोनी करते हैं कई बार क्या होता है कि बीज और खाद लोग मिला के कर देते, ऐसे नहीं करना चाहिए, उसको अलग अलग उसको एप्लीकेशन करनी चाहिए। लेकिन ये भी चीज़ ध्यान में रखें कि बीज और खाद एक साथ जमीन में एक दूसरे के संपर्क में नहीं आए, अगर एक दूसरे के संपर्क में आए तो उससे सड़ने का खतरा रहता है। तो उर्वरक है वो नीचे जाए और बीज ऊपरी सतह पर रहे। अगली बात, जो मैंने जैसे बताया कि उर्वरक का प्रयोग केवल वैज्ञानिकों की सलाह पर ही करें और जब कोई लक्षण दिखते हैं किसी पोषक तत्वों की कमी तभी करें। यदि आपके पास बोनी के लिए जो मैंने बताया कि BBF या रिज फरो पद्धति से बोनी करें तो इसके लिए जो उपयुक्त यंत्र होते हैं BBF सीड ड्रिल या रिज फरो सीड ड्रिल, इस प्रकार की यंत्र आपके पास नहीं है
तो हमें ये भी कर सकते कि देसी तरीके से जब हम बोनी करने जिससे भी करना वो करें और उस एक पर्याप्त दूरी पे, चाहे वो 10 कतारों की दूरी पे या 7 कतारों की दूरी पे या 9 कतारों की दूरी पे एक देसी हल चलाकर अपने आप नाली निकाल ले, उससे भी वही फायदा होगा जो कि जो BBF या रिच फॉर सीड ड्रिल को अपनाने से जो नालियां बनते हैं वैसी प्रकार से हम नाली बना के फायदा ले सकते हैं। अगली बात, जो सोयाबीन की खेती को आर्थिक रूप से लाभकारी बनाने के लिए जो है कि अकेली सोयाबीन तो लेते ही है, लेकिन उसके बजाय जो हम अंतर्वर्ती फसल भी उपयुक्त तो इसके साथ में ले सकते हैं, जैसे कि जो सिंचित खेती है सोयाबीन के बाद में अगर हमें दूसरी फसल लगाना है तो जो मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, ऐसी फसल लगा सकते हैं ताकि सोयाबीन के साथ साथ वो कट जाए और दूसरा अपना खेत दूसरी फसल बोने के लिए तैयार हो जाए। अगर दूसरी फसल नहीं लेने हैं तो ऐसी फसल भी ले सकते हैं, कपास के साथ में ले सकते हैं या अरहर भी हो सकती है जो कि सोयाबीन की कटाई हो भी जाए लेकिन उसके बाद भी वो अपने खेत में रह सके। अगली बात, जो खरपतवार नियंत्रण के लिए जो हमारा जो वरीयता अनुसार क्रम है, यहाँ तक कोशिश करें कि सबसे बढ़िया जो खरपतवार नियंत्रण होता है हाथ की निंदाई से होता है, उसके बाद में डोरा या कुल्पा चलाकर, और अंतिम विकल्प हमारे पास रहता है कि खरपतवार नाशक का प्रयोग। लेकिन जो भी है, जितने भी खरपतवार नाशक है केवल हमारे जो सोयाबीन में अनुशंसित है उन्हीं का प्रयोग करें। और उसके लिए एक चीज़ आप ध्यान रखें कि जो खरपतवार नाशकों का जब हम प्रयोग करते तो इसके लिए जो स्प्रेयर में जो नोजल लगता है वो अलग प्रकार से आता है जिसको फ्लैट फैन या फ्लड जेट नोजल कहते हैं, और जो कीटनाशक या फफूंद नाशक का जब हम छिड़काव करते हैं उसके लिए अलग प्रकार का नोजल आता है उसको हालो कोन नोजल कहते हैं। तो जिसके लिए जो उपयुक्त है उसी जो खरपतवार नोजल का प्रयोग करें। अगली बात हम ये कहेंगे कि जितने भी जो जो जैविक कारक है, चाहे वो कीट है, रोग है या खरपतवार नाशक है, तो उसके नियंत्रण के लिए सोयाबीन फसल के लिए अनुशंसित दवाइयों का ही प्रयोग करें। जो दवाइयाँ सोयाबीन के लिए अनुशंसित नहीं है उसका प्रयोग नहीं करें। जब हम स्प्रे करते हैं तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि पानी की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए, और यदि हम पावर स्प्रेयर का उपयोग कर सकते हैं तो प्रति हेक्टर 120 लीटर तक पानी की मात्रा उपयोग कर सकते हैं, और यदि हम पीठ पे लटकाने वाला जो स्प्रे जिसको हम नैपसैक स्प्रेयर करते हैं उसके सहायता से, चाहे वो खरपतवार नाशक का प्रयोग करते हो या कीटनाशक का प्रयोग करते हो, तो उसके लिए प्रति हेक्टर 500 लीटर तक का पानी आवश्यक होता है। एक चीज़ हम हमेशा ध्यान रखें, और मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे खेत में हमेशा फसल की निगरानी करते रहनी चाहिए। ऐसे होता है कि हम 2-3 दिन में भी खेत में नहीं गए, और कई बार ये हो जाता है कि किसी विशेष कीड़ा जो है भले ही आपके खेत में नहीं था लेकिन पड़ोस वाले किसान के खेत में था, एकाएक आपके खेत में उनकी संख्या बढ़ जाती है। तो आपको ये करना है कि समय समय पर खेत की निगरानी करते रहे, खेत के अंदर जाए, 2-4 जगह पर जाए और उसको पौधों को हिला के देखे। यदि आपको पता चले कि इल्लियों की प्रकोप हो गया है या मच्छर है या वाइट फ्लाई है, ये सब आप देखें और उसी हिसाब से आप नियंत्रण करें। जो कीट नियंत्रण की जो अनेक विधियां हैं जिसमें हमारे वरीयता अनुसार जो है सबसे पहले ये भी करें, दूसरे अन्य उपाय एकदम से रासायनिक कीटनाशक का उपयोग करने के बजाय दूसरे अन्य उपाय, जैसे कि रोग मुक्त बीज का प्रयोग करना, फसल चक्र को अपनाना, अंतर्वर्ती फसल जो मैंने जैसे बताई, या कुछ ऐसी फसलें होती हैं कि जो कीड़ों को आकर्षित करती है, जैसे कि सुआ की फसल है, जैसे जो BBF की जो नाली बनती है उसमें आप सुआ लगा सकते हैं। तो क्या होता है कि सुआ की जो फसल है तो जो जितने भी सोयाबीन के कीट है सुआ को नुकसान करेंगे, हमारे सोयाबीन की फसल को नुकसान नहीं करेंगे। तो ऐसे भी जो तरीके हैं उसको अपनाना चाहिए। उसके साथ साथ जो जितने आपको पौधे ऐसे दिखते हैं जिसमें कीड़े लगे हैं या बीमारी के पौधे ग्रसित दिखते हैं, ऐसे पौधों को हमारे खेत से जल्दी से निकाल के बाहर कर देना चाहिए। इसके साथ साथ जो दूसरे अन्य उपाय है, जैसे कि लाइट ट्रैप, प्रकाश प्रपंच या फिरोमोन ट्रैप आता है, फिरोमोन ट्रैप के बारे में आप एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखें कि ये कीट विशेष होते हैं, तो जिन कीटों को अपन नियंत्रित करना चाहते हैं उसके लिए स्पेसिफिक ये फिरोमोन ट्रैप आता है, और उसको जब हम सेप्टा लगाते हैं तो खुले हाथ से नहीं लगाएं, उसको स्वच्छ हाथ से लगाना चाहिए ताकि उसका आपको सही उपयोग या फायदा मिल सके।
एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी रसायन आप सोयाबीन की फसल में उपयोग करना चाहते हैं या किसी भी फसल की बात हो, तो उसका प्रयोग हमेशा उसकी एक्सपायरी डेट से पहले ही किया जाना चाहिए ताकि हम उसका समुचित उपयोग ले सकें। सोयाबीन की फसल में तीन क्रांतिक अवस्थाएं हैं जिसमें नमी की कमी नहीं होनी चाहिए, और ये क्रांतिक अवस्था है नवजात पौधा और फूल लगने की अवस्था और दाने भरने की अवस्था। तो ऐसी स्थिति में यदि आपके खेत में अगर सूखा आ रहा हो आपके क्षेत्र में, तो और यदि आपके पास सिंचाई की व्यवस्था हो, तो सबसे पहले आप सिंचाई सुनिश्चित कर लें। ये इंतज़ार नहीं करेंगे कि कल आएगा बारिश, परसों पानी आ जाएगा, और ऐसा करते करते अगर खेत में अगर दरारें पड़ना शुरू हो जाए और उस समय पर यदि आप करते हैं तो आपकी जड़ें टूट जाएगी और फसल पूरी बर्बाद हो जाएगी। तो दरारें पड़ने से पहले ही यदि आपके पास सिंचाई की व्यवस्था है तो उसको सुनिश्चित करें। और एक चीज़ ये भी है कि आपके पास अगर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है तब हम क्या करेंगे सूखे की स्थिति में, तो डोरा चला ले, खेत को छोड़ दे, और फसल अवशेष है जैसे भूसा है, गेहूं का भूसा, चने का भूसा, उसको जमीन के ऊपर फैला दे ताकि जो नमी है उसका क्षरण कम से कम हो। अगली बार ये भी देखें कि सिंचाई के जितने भी साधन हैं, चाहे तो फ्लड इरिगेशन के बजाय ऐसे सिंचाई का उपयोग करें जिसमें कि कम से कम पानी लगता हो, जैसे ड्रिप सिंचाई है या स्प्रिंकलर सिंचाई, आवश्यकता अनुसार इसका प्रयोग करें। जब कटाई कैसे करते हैं हम सोयाबीन में, कई बार ये होते कि हम पत्तियों के पीले पड़ने का इंतज़ार करते हैं और पीली पड़ जाए तब हम कटाई कर लेते हैं, लेकिन ये इसका सही इंडिकेशन नहीं। हम ये देखेंगे कि जब आपको 95% सोयाबीन की फलियां, उनका रंग जैसे ही बदलना प्रारंभ हो जाए तब हम मान लें कि ये कटाई के लिए समय इसका आ गया, भले ही उसकी पत्तियां कुछ हरी दिखे हो। ये भी देखें कि जब हम अगले साल के बीज बोना हो उसको रखते हैं तो बीज की शुद्धता होनी चाहिए। तो उसके लिए आप ये करें कि जो अपने खेत में तीन समय पर जो अन्य किस्मों के जो पौधे हैं ऐसे आपको दिखते मिक्स पौधे, उसको निकाल दें और ये आइडेंटिफाई कर सकते कि पत्तियों के आकार के हिसाब से, अगर आपकी लंबे आकार की पत्तियां उसमें गोलाकार का जो कुछ सोयाबीन का पौधा दिखता है तो मान लीजिए कि यह उस किस्म का नहीं, उसको निकाल दें। कुछ पौधे के ऊपर, तने के ऊपर या पत्तियों के ऊपर रोए होते हैं, फलियों के ऊपर भी रोए होते हैं, तो अगर बगैर रोए वाली किस्म है अधिकतर पौधे और उसमें रोए वाला कोई पौधा दिखता है तो उसको बाहर कर दें। तो इस प्रकार से आप अन्य किस्मों के पौधे आप निकाल सकते हैं। और उसके साथ में एक और है कि जो आपकी पूरी फसल उसमें अधिकतर पौधों में बैंगनी रंग के फूल आए हैं, उसमें सफ़ेद रंग का फूल का कोई पौधा दिखता है उसको भी निकाल सकते हैं, और ऐसा करने से हमारा जो बीज बनेगा वो बिल्कुल शुद्ध रहेगा। शुद्धता बरतने के लिए एक और चीज़ जरूरी है कि कटाई करते हैं लेकिन उसकी गहाई कैसे करें। तो सोयाबीन के बीज को बीज बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि उसकी जो गहाई करते हैं, थ्रेशिंग करते हैं, तो 350 से 400 RPM पर करें। उससे ज़्यादा अगर RPM आपका हो तो उससे बीज की जो उसका जो आवरण होता है, कोट होता है, उसको क्षति पहुँचती है और वह बीज की अंकुरण क्षमता खत्म हो जाती है और वह बीज नहीं रहता, केवल अनाज भर रह जाता है। तो उसको केवल 350 से 400 RPM पे करें। अंतिम बात सोयाबीन के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम कटाई कर लिए हैं, सब कुछ हो गया, उसके बाद में उस जो भी अपना सोयाबीन का उत्पादन है या बीज है उसका भंडारण कैसे करें। तो ऐसी जगह पे भंडारण करें जहाँ पे हवा का संचार हो, पटिए पे रख के बोरों को रखें, जमीन से सटा के एकदम से नहीं रखें, और ज़मीन में नमी ना हो या नीचे में भी नमी ना हो ये भी देखें ताकि उसमें फफूंद जो होती है उसके कारण हमारा बीज खराब नहीं हो। और यदि एक के ऊपर एक सोयाबीन के बोरे रखते हैं तो 5 बोरे से ज़्यादा की थप्पी नहीं लगाएं या 5 फीट से अधिक की नहीं लगाएं। और उसमें ये भी ध्यान में रखें कि 40 किलो की जो कोशिश करें कि 40 किलो की जो उर्वरकों की जो बोरियाँ होती है उसमें भी आप रख सकते हैं। तो ये तो कुछ विशेष बिंदु जिसको अपनाने से हम सोयाबीन का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे ही रोचक जानकारी के साथ में मैं आपके साथ में पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।